कांग्रेस नेता सुदर्शन दास आज विभिन्न बालेश्वर विभिन्न बन्यांचल बुली लोकों सहित आलोचना करछन्ति स्थानीय लोकों सहित एवं रिलीफ बांटिछन्ति। आम वर्तमान अच्छु भोगराई ब्लॉक रो जो मनुनगर गाँव में आप देखि पार्थे ये गाँ सब बेसी क्षतिग्रस्त होती जेहेतु पानी घेर था गत काली आम ये गाँव को आसलु आसवाप कौन सुविधा नाला गमनागमन संपूर्ण भाव में विच्छिन्न होता और आज जितेबाला सामान्य पा कमी तापर कांग्रेस टीम आसी ए गाँव लोकों सहित आलोचना करछन्ति। आम सीधासल प्रतिक्रिया ना सर विभिन्न पंचायत आपण बुलिले जो बनार कौन स्थिति देखुं लोक केमती अभाव असुविधा बहुत अभाव असुविधा रही 22 वर्ष है बीजेपी सरकार बीजेडी सरकार एका सांगे मिसिक 22 वर्ष है नवीन बाबू ये मुख्यमंत्री अच्छा आज पर्यंत गोटे बना पीड़ित अंचल लोकों पर गोटे स्थायी समाधान करें ना लोक मैंने को अवस्था हंतसंत हो रोड आंठे अधिक अंटाए पा आम ट्रैक्टर उपर बसिक बर्तमान ये आसिक पहुँचीचु जमी जाक देखिले पूरा जलमग्न पूरा बालीचर हो सारा यही अवस्था लोक कौटी जी वर्ष वर्ष धरिकी रे मैंने आज पर्यटन गोटे स्थायी समाधान कर पारे बनार रिलीफ को नहीं गोटे बड़ अभोग विभिन्न स्थानों आसूला जे बनार दुई दिन पर भी बहु लोक रिलीफ पहुँची नाला आपन आज बहुत जगह जाइंट लोक रिलीफ बांटुते से लोकर कौन रिएक्शन रिलीफ मिलूला ना मिलून घर भांगी जा पलिथिन भी दिहाई ना सकाळु आम पॉलीथिन देखिए केते जगार आस अंचल केते जगार जोटा लोक मूँ पचारू खाइबा को किसी दे ना आगे आम पाइन समस्त सब लोकों पाखे पहुँची पारे रिलीफ आज पर्यंत दुई दिन हो गला पानी कमुची बना कमुची ठीक अच्छे लोक खाइबे केमती रही केमी घर द्वार छाड़ी आसिक कैंप्रे बस ये किसी रोसे होकी अंपटे गले लोक मैंने जो अवस्था रोचे देखुं आकाश रू खाली हेलिकप्टर बोली गले लोक दुख कौन दूर हो लोक खाली सरकारी ऑफिसर ऊपर कान छाड़ीदे से दायित्व देकर से सब कर आसिक सब दुख दूर करदे वॉलंटियरली आसिक पहुँचकर लोक फूड पैकेट आसिक पहुँचवा कथा खाद्य पहुँचवा कथा मम कैंडेल पहुँचवा कथा छोट छुआप अमूल टे पहुँचवा कथा कोपटे जी पा टे पीवाप पा नहीं शुद्ध पा पीवाप ना ये अवस्था लोक एम हंतसंत बसथे केत दूर ये सहबे लोक से उचित जिनस नुहे जदि ये थी वर्ष वर्ष धरी केवल भोट राजनीति करेंगे ये लोक मैंने कौटी की जी लोकों सेवा करने राजनीति करूँ ये भोट आशार करूँ ना लोक बहुत जगह लोक कौन रिलीफ आसूँ कि मझे अटकी जाऊँ पहुँच से ठीक रिलीफ आसूँ कौटू आस मझे केमी अटकी जा सरकार कलेक्टर एसपी तर विजिलेंस वीडियो जेई अटकी जामी जीपीओ तर जो टी अटे से ऑफिसर उपर कार्यानुषान इमीडिएट एक्शन दिंतु एक्शन नहीं इमीडिएट खाद्य आसिक लोकों पाखे पहुँचवा कथा बर्तमान हूँ बहुत मानते क्रिटिकल टाइम यही समय जब लोक खाद्य न पहुँच लोक बहुत अवस्था अच्छा लोकों पर जो अव्यवस्था लोक जो भाव में अव्यवस्था घेर में बर्तमान अच्छा विशेषकर जो भाव में रिलीफ तेरे पहुँची पार नहीं ताकि प्रश्न उठे पीसी सभापति सुदर्शन दास सहित आलोचना करवा सर आप अंचल स्थानीय नेता ए अंचल सहित अतप्रत भाव में जड़ित वास्तव में ये जो देखा जो भाव में बना देखा सुवर्णरेखा अवबायिकार आर कि स्थायी समाधान बाहरी पार ना ना सरकार चाहूना स्थायी प्रतिकार हो जदि सरकार चाहूंथांते स्थायी प्रतिकार हवापाई तेबे 2008 मसीह जो सुवर्णरेखा संस्कार योजना प्रणीत होता ताकू कार्यकारी करी थांते सरकार चाहूंचंती बन्या एमती हो लोकंकर घर द्वार भांगू चासबास उजुड़ी जाऊ आउ लोक माने तांको पाखरे भिकारी हेकि हाथ पतईबे मते पॉलीथिन खंडे दियो मते चावल टिके दियो मते चूड़ा दियो एकदा सरकार चाहती सरकार स्थायी प्रतिकार करूना कि सुवर्णरेखा संस्कार योजना को कार्यकारी करूना आप देखु पाँच दिन है 226 मिलीमीटर वर्षा होती भोगराई में जलबंदी अच्छा आज लोक हजार हजार लोक लक्ष लक्ष लोक कहती प्रशासन कहती सरकार आकाश मार्ग बुलीदे कौन होमें कह चाहूँ कांग्रेस दल तरफ आज पीसीसी सभापति उत्तर बालेश्वर को जलेश्वर बुलिले बस्ता ब्लॉक बुली एवं आज भुगरेई रे पहुँचती भुगरेई रे गोटे गाँ को यही गाँ को आसवापी आम चलिकी आसी पार्लुनि ट्राक्टर में आसलु पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक ट्राक्टर में बसले ए सरकार को लज्जा लगवा कथा 22 वर्ष पर आज भी बन्या समय हजार हजार लोक आज निरंड
ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛୁ। ଇଏ ଏକ ବାହାପିଆ ପ୍ରତାରଣ କଥା କହିଲେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ କାଦ୍ରାୟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ସଭାପତି ଯାଇଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କେବଳ 250 ଲେଖାଏଁ ଚୁଡ଼ା ମିଳିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ନାମ୍ପ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଘରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏଠି ଭୁଗରେଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଥିଲା ସେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ମନୁନଗର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏସବୁକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ଏବଂ ରିଲିଫ ଲୋକଙ୍କ ରିଲିଫ ଦିଆଯିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ରିଲିଫ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ବାହାରିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଭୋଗରାଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।